Good morning, class. In last lecture, we have seen the adaptation in big cats, lions. Okay. Now, today we will read about the adaptation in red-eyed frog. Okay. So, which type of adaptation present in red-eyed frog to present in rainforest? So, first, it has a big and bulging bright red eye. ठीक है, क्योंकि इसकी इसका जो नाम है red eyed frog, इसका मतलब है इसकी जो eyes होती है वो बड़ी होती है और bulging बाहर की तरफ निकली हुई और bright यानि चमकीली होती है. ठीक है, इसीलिए इसे red eyed frog कहते हैं. और उसके अलावा it has sticky pads. इसके जो पंजे होते हैं, इसके जो हाथ होते हैं पैड, वो स्टिकी होते हैं, मतलब ये कहीं पर भी आसानी से चिपक जाता है, अपनी पकड़ बना लेता है. ठीक है, एंड दिस हैव टू क्लाइम ईजीली ऑन द ट्री. इसके कारण ये पेड़ों पर भी आसानी से चढ़ जाता है, क्योंकि इसके जो पैर के पैर नज़र आ रहा है आपको, स्टिकी पैड्स, मतलब अंदर की तरफ ऐसे चिपकने वाले पैड्स होते हैं, गद्देदार इनकी स्ट्रक्चर होती है पैर की, जो आसानी से कहीं भी चिपक जाती है, जिसके कारण ये इजीली पेड़ों पर चढ़ जाता है. ठीक है, नाउ एडप्टेशन इन टॉकिन. टॉकिन एक बर्ड है. इसका एडप्टेशन क्या होता है, इसकी आगे सबसे आगे आपको लॉन्ग बिक नज़र आ रही है. ठीक है, वो कलरफुल बिक और लॉन्ग साइज़ की जो बिक है, यही इसका एडप्टेशन है. ठीक है, जिससे ये मतलब इसकी पूरी बॉडी की जो टोटल लेंथ है उससे हाफ लेंथ की तो सिर्फ इसकी बीक ही होती है, जो इसको हेल्प करती है फ्रूट तक पहुंचने के लिए. जैसे कुछ प्लांट्स वगैरह के ये ऊपर चढ़कर जब ट्रीज़ पर फ्रूट वगैरह खाता है, तो इसकी जो बीक होती है लंबी होने के कारण आसानी से फ्रूट को खा सकता है. ठीक है, जब जो ट्रीज़ है उसकी ब्रांचेस बहुत वीक होती हैं, तो ये उस वीक ब्रांचेस पर बैठ नहीं पाता और फ्रूट थोड़े दूर होने के कारण ये अपनी लंबी बिक से उस फ्रूट को आसानी से खा लेता है. ठीक है, क्योंकि कुछ बर्ड्स होते हैं उनका वेट ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने के कारण जो वीक ब्रांचेस है उन पर वो नहीं बैठ पाते और वहाँ के फ्रूट्स नहीं खा पाते. तो यहाँ पर इसकी जो लॉन्ग बीक है वो उसे अपना फूड गेन करने में हेल्प करती है. Now, adaptation in lion-tailed macaw. ठीक है, तो macaw कैसा होता है, ये एक monkey जैसा लग रहा है आपको, यानी monkey की ही एक अलग species है, और इसका नाम है lion-tailed, मतलब इसकी पूंछ lion की तरह होती है, और इसके जो neck side ऐसे silver fur होते हैं और पीछे बाकी fur इसके black color के होते हैं. ठीक है, और इसके जो सराउंडिंग, मतलब पूरे आसपास, अभी आपको एक लॉयन जैसी स्ट्रक्चर नज़र आ रही होगी, जैसे लॉयन में होता है ना, आप इधर देखो इस तरह से फर होते हैं आगे आगे, है ना, इस तरह से इसके भी वाइट कलर के फर आगे है जो लॉयन की तरह दिखते हैं. ठीक है, नीचे चीन तक इसकी, और ये इसका जर्मन नेम है बियर्ड आपे. ठीक है, बियर्ड आपे इसका जर्मन नेम है, और इसकी जो टेल होती है ये मीडियम साइज़ की होती है, अप्रोक्स 75 सेंटीमीटर, और ब्लैक टफ्ट एंड सिमिलर टू लॉयन टेल, और इसके अंदर जो कर्व होता है, ठीक है, ब्लैक कलर की होती है, और इसका जो कर्व होता है बिल्कुल लॉयन की तरह होती है, मतलब मंकी की तरह ना लगकर इसकी जो टेल है वो लॉयन की तरह नज़र आती है, इसलिए इसका नाम लॉयन टेल मकाओ है. ये क्या खाता है, फ्रूट्स खाता है, सीड्स खाता है. ठीक है, और जो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट लीव्स होती है ना, जो बड़ी नहीं होती, बिल्कुल छोटी टाइप की लीव्स है, जो भी जस्ट ग्रोइंग पीरियड में है, वैसे लीव्स खाता है, स्टैम खाता है, सॉफ्ट वाले फ्लावर्स खाता है, बर्ड्स खाता है. ठीक है, और उसके अलावा छोटे छोटे इंसेक्ट भी खाता है जो ट्रीज़ की बार्क के अंदर होते हैं. ठीक, और इसीलिए ये रेन फॉरेस्ट में अपना सफिशिएंट फूड ले लेता है, क्योंकि इसका मेन फूड ही क्या है, फ्रूट सीड्स,
है ना, लीव्स वगैरह खाना, फ्लावर्स खाना, जो रेन फॉरेस्ट में इजीली मिल जाता है, ठीक है। तो आसानी से प्लांट सॉरी ट्रीज पर ही इन्हें सब कुछ मिल जाता है, तो बहुत रेयर केस में ही ये ग्राउंड पर आते हैं, अदरवाइज़ ये ट्रीज पर ही रहते हैं, अपनी पूरी लाइफ वहीं सर्वाइव करते हैं। रेन फॉरेस्ट में काफ़ी अच्छे बड़े बड़े और घने ट्रीज होते हैं, तो वहाँ पर ये रह भी लेते हैं उसकी ब्रांचेस पर, और खाना भी इन्हें मिल जाता है, ठीक है। नाउ एडप्टेशन इन मंकी, मंकीज़ में क्या क्या एडप्टेशन है, तो आपको पता है मंकी ऑलरेडी एडप्टेड होते हैं ट्रीज़ पर रहने के लिए, है ना। जनरली आपने मंकीज़ को देखा भी होगा, तो पेड़ों पर बैठे रहते हैं, फ्रूट्स वगैरह फ्लावर्स हैं लीव्स वो खाते रहते हैं, ठीक है। और उनकी जो लंबी लंबी पूंछ होती है, टेल्स होती हैं, वो ग्रैस्पिंग कर लेती है ब्रांचेस पर, यानी पकड़ बना लेती है, जिसके कारण उन्हें गिरने का डर भी नहीं होता। और उनके जो हाथ और पैर हैं, ठीक है, वो भी इस तरह से होते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग के होते हैं, जो आसानी से किसी चीज़ को होल्ड कर ले, पकड़ ले। तो उनके हैंड और जो फीट्स होते हैं वो कुछ कुछ ह्यूमन बीइंग की तरह होते हैं, जो आसानी से चीज़ों को पकड़ भी लेते हैं, जिसके कारण वो ट्रीज़ की ब्रांचेस को पकड़कर स्विंग करते हुए एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक आसानी से जा सकते हैं, या बड़ी बड़ी छलांग लगाकर भी अपना बैलेंस बना लेते हैं, ठीक है। नाउ अपोजेबल थम्स होते हैं उनके पास, जो छोटी छोटी चीज़ों को भी पकड़ सकते हैं, जैसे ह्यूमन बींग के थम होते हैं ना, हमारे हाथ में छोटे छोटे थम्ब है, फिंगर्स हैं, तो हम इस थम फिंगर्स की हेल्प से छोटी चीज़ की पकड़ बना लेते हैं ना, वैसे ही थम। और जैसे हमें कोई चीज़ पिक करना है, जैसे बहुत छोटी है तो हम ऐसे पिक करते हैं ना, उसे ऐसे उठाते हैं, तो ऐसी कैपेसिटी इनमें भी होती है, ये भी अपने थंब और फिंगर के हेल्प से आसानी से छोटी चीज़ों को पकड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे एडप्टेशन थे, ऐसे तो कई सारी स्पीसीज होती है, लेकिन उसमें से कुछ खास प्लेस जैसे डेजर्ट, पोलर रीजन, रेन फॉरेस्ट, वहीं के कुछ सिलेक्टेड एनिमल्स के एडप्टेशन के बारे में हमने पढ़ लिया। यहीं पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।